तो गाइस आज मैं आपको अपना सेटअप दिखाने वाला हूँ और मैं अपने लैपटॉप पे किस किस पे क्या काम करता हूँ और आपको सब बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए देखते हैं। हाँ गाइस आप देख पा रहे होगे मेरा टेबल है, ये कंप्यूटर टेबल है। तो इसमें कंप्यूटर तो है नहीं, मेरा लैपटॉप है, कंप्यूटर ख़राब हो गया है। तो फिर चलिए आपको पास से पहले टेबल के बारे में बताता हूँ। इधर आपको एक बहुत बड़ा आपको जगह मिल जाएगी, अपना डेस्कटॉप और अपना लैपटॉप या फिर अपना मॉनिटर रखने के लिए, और यहाँ पे आपको कीबोर्ड रखने के लिए जगह मिल जाएगी सही सी। इधर माउस रखने की मिल जाएगी, इधर आप अपना यूपीएस वगैरह रख सकते हो, और इधर आप अपना सीपीयू और एम्पलीफायर रख सकते हो, और इधर एक छोटा ड्रॉअर टाइप कुछ है। ठीक है, तो ये टेबल बस इतनी थी। और अब आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में बताते हैं गाइस। सबसे पहली चीज़ है ये लाइटनिंग्स बढ़िया आ रही है गाइस। इधर एक मोड चेंजर भी है इसका, इसमें आप बटन क्लिक करके इसका मोड बदल सकते हो। और गाइस बता दूं कि आरजीबी तो है नहीं, दिल से बता रहा हूँ आरजीबी नहीं है। ठीक है, दिखाता हूँ, तो अब मैं दिखाता हूँ कि है क्या चीज़। ठीक गाइस, अगर हम स्पीकर के पीछे देखें तो हमने एक लड़ी लगा रखी है इसमें लपेट के, तो सही है। जो आरजीबी सपोर्ट नहीं कर सकते उनके लिए बेहतर ही है। चलो फिर आते हैं हमारे फिलिप्स मल्टीमीडिया एम्पलीफायर के मॉडल नंबर HDR 2000। इसका मॉडल है और इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम 40 तक जाती है। इसमें आपको 5.1 स्पीकर लगाने के लिए दे रखा है और आपको 2.1 स्पीकर लगाने के दे रखा है। मतलब इसमें ऐसा सिस्टम है, आप रिमोट से इसका मोड चेंज कर सकते हो। जैसे आप इस पे रखोगे तो ये 5 स्पीकर चलाएगा, और आप इस पे रखोगे तो ये 2 स्पीकर चलाएगा। और इसमें वॉल्यूम, फुल वॉल्यूम इसकी 40 तक जाती है। और इसके साथ आपको एक बूफर मिल जाता है, काफ़ी बड़ा बूफर है। और इसको देखो एक बार गाइस, कितना बड़ा है ना गाइस, बहुत बड़ा मिल जाता है। और गाइस मैं बता दूँ आपको, और इसका बेस सही ही होता है। और गाइस मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, जो लोग सोनी JBL जैसे स्पीकरों के साथ अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बेहतर है। और गाइस इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्पीकर मिल जाते हैं, मतलब स्पीकर 5 मिल जाते हैं, 5 स्पीकर एंड 0.1 बेस बूस्टेड बूफर। ठीक है गाइस, और गाइस मैंने अभी आप तो जो भी दिखाया वो तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक लैपटॉप भी है और वो सैमसंग RB508 मॉडल का है, और उसमें विंडो 7 डली हुई है। तो दिखा देता हूँ। हाँ जी गाइस, ये रहा सैमसंग, ये ओरिजिनल सैमसंग है, कोई डुप्लीकेट सैमसंग नहीं है गाइस। अभी अब मैं उसको खोल के दिखाता हूँ। अब अभी साफ, बिल्कुल साफ आ रही है, साफ आ रही है गाइस। आपको इसमें एक पूरे हाथ जितना बड़ा एक माउस का टच मिल जाता है, इधर आपको क्लिक का बटन और राइट क्लिक का बटन मिल जाता है, और कीबोर्ड की तरफ आए, कीबोर्ड क्वालिटी भी ज़्यादा बेहतर तो नहीं है लेकिन बेहतर है, काफ़ी बेहतर है गाइस, काफ़ी बेहतर है। और इसकी स्क्रीन आपको 18 इंच की मिल जाती है, 18 इंच की आसपास। और इधर आपको, और गाइस आपको इधर एक कैमरा मिल जाता है, डिजिटल कैमरा लाइव कैम। और इधर आपको सैमसंग की, दिख नहीं रहा होगा गाइस आपको, सैमसंग की ब्रांडिंग इधर अपने RB508 की ब्रांडिंग मिल जाती है। और इधर ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है, इधर आपको स्पीकर मिल जाते हैं, स्पीकर
और इसमें इंटेल पेल्टियम इनसाइड है। ज़्यादा बेहतरीन लैपटॉप तो है नहीं, लैपटॉप का प्रोसेसर थोड़ा स्लो है। और इसमें एक प्रॉब्लम भी आ रखी है, इसमें नेट ढंग से चलता नहीं है गाइज, मैं आपको सही बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा सच। और इसमें डोंगल लगा हुआ है, इसके अंदर का इंटरनेट स्लॉट ख़राब हो गया है गाइज। हाँ जी गाइज, लैपटॉप इसका ख़राब, इसका वो ख़राब हो गया इंटरनेट स्लॉट। और एक चीज़ और इसकी ख़राब हो गई है गाइज, इसका ऑडियो सिस्टम ख़राब हो गया है, इसलिए मेरे को अपने लिए ये लगा के चलाना पड़ता है। क्वांटम का आपको इसमें वो मिल जाता है साउंड कार्ड, और लगभग फैमिली के लिए बिल्कुल सही है ये एम्पलीफायर और लैपटॉप। ज़्यादा बेहतरीन कोई नहीं है इनमें से, लेकिन काम चलाने लायक है। इससे आप छोटी मोटी गेमिंग, ऑफिस का काम और गाने सुनने वगैरह जैसा काम कर सकते हैं गाइज। और ये मैंने अलग से लगाए हैं चीज़ें, काफ़ी अच्छी लग रही हैं, सुंदर है। और गाइज वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना और कमेंट में जाके बताना वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।